नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका कैरियर प्लांट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल में राउंडिंग फंक्शन, राउंडिंग फॉर्मूला के बारे में पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, एक्सेल में राउंडिंग के कई फॉर्मूला हमको मिलते हैं, जैसे राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, एम राउंड। आज की वीडियो में इन सारे राउंडिंग मेथड्स फॉर्मूला के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा हमारे चैनल के अंदर और वहां पर आपको मिलेगा सब्सक्राइब बटन। आप इसे प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप जब भी हमारा कोई वीडियो देखें तो वीडियो के साथ, जब वीडियो प्ले होता है तो उसके साथ नीचे सब्सक्राइब बटन आता है, जिसे आप क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप वीडियो के साथ दिए गए लाइक बटन या शेयर बटन के थ्रू आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राउंडिंग तीन टाइप्स की होती हैं। एक होता है नॉर्मल राउंडिंग, एक होता है अपवर्ड राउंडिंग और थर्ड होता है डाउनवर्ड राउंडिंग। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉर्मल राउंडिंग फंक्शन की। देखिए, मैंने यहाँ पर प्राइस लिखा है 10.85, 10.85 रुपये। इसे आप राउंड फंक्शन के थ्रू नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको इक्वल टू साइन यूज करना है। फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है। जहां आपको रिजल्ट चाहिए उस सेल में आप इक्वल टू लगा दीजिए, इक्वल टू के बाद ROUND। जैसे आप यहां लिखेंगे, लिखने के बाद आपको फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए ब्रैकेट टाइप करना है। सर्कुलर ब्रैकेट यहां पर इंसर्ट कर दीजिए, देन आप नीचे देख रहे होंगे एक सिंटैक्स आपको दिखाई दे रहा है, राउंड नंबर कोमा नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये नंबर यहाँ पर पैरामीटर है दो तरह के, एक नंबर और एक नंबर डिजिट। आप जिस नंबर को राउंड करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, देन कोमा लगाने के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट में आप राउंडिंग करना चाहते हैं, दशमलव के कितने स्थान तक आप राउंडिंग करना चाहते हैं। यहाँ मैंने जीरो प्रेस किया, देन फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस किया। तो ये नॉर्मल राउंडिंग है। इससे होगा क्या, 10.85 रुपीज़ अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 11 रुपीज़ यहाँ पर आ रहा है। यानी आपने दशमलव के जीरो स्थान तक इसको राउंड करने के लिए बोला था तो उसने जीरो स्थान तक यहाँ पर राउंड कर दिया, और 0.50 से ऊपर जो भी डिजिट आप यहाँ टाइप करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 11 रुपीज़। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10.45 रुपीज़, तो देखिए 0.50 से नीचे है तो 10 रुपीज़ है, और 0.50 से ऊपर है तो आपको मिलेगा 11 रुपीज़। दोस्तों, राउंड फंक्शन का जो सिंटेक्स है उस सिंटेक्स में ये हमसे दो चीज़ें पूछता है कि आप किस नंबर की राउंडिंग करना चाहते हैं और उस राउंडिंग के रिजल्ट में कितने डिजिट तक आप डेसिमल के बाद नंबर्स चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जीरो लिखा था तो मुझे रिजल्ट 10.55 का 11 मिला, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ देन फिर एंटर प्रेस करता हूँ तो डेसिमल के 1 प्लेसेस तक मुझे मेरा रिजल्ट मिल रहा है 10.6। इस तरह से अगर आप यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपको रिजल्ट मिलेगा 10.55। अगर आपका डिजिट थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ पर 2 के बाद 3, 4 वो भी टाइप कर सकते हैं, और डेसिमल के कितनी स्थान तक आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको यहाँ पर फीड करना होता है। जनरली हम लोग यहाँ पर 0 फीड करते हैं ताकि आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल जाए। तो दोस्तों, ये था राउंड फंक्शन, जिसमें डेसिमल के पहले यानी 0.50 के पहले और 0.50 के बाद आपको रिजल्ट यहाँ पर एक्यूरेट मिलता है। दोस्तों, सेकंड फंक्शन आता है राउंड अप। राउंड अप में आप 10.20 रुपये हैं तो भी आपको 11 रुपये मिलेगा, और 10.85 रुपये हैं तो भी आपको 11 रुपये मिलेगा। इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, देन राउंड अप फंक्शन यहाँ पर हमको इंसर्ट करना है। ब्रैकेट में सिंटेक्स सेम है जैसा राउंड फंक्शन था, सेम वही फंक्शन यहाँ पर यूज होता है, नंबर और नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर पे मैंने 10.20 रुपये पे क्लिक किया, और डेसिमल के बाद मुझे 0 प्लेसेस तक रिजल्ट चाहिए तो 0 प्लेसेस मैंने यहाँ इंसर्ट किया, देन एंटर। देखिए, यहाँ मुझे मिल रहा है 11 रुपीज़। अगर यहाँ पर 10.85 रुपीज़ होता तो भी 11 रुपीज़, 10 रुपीज़ 10 पैसा है तो भी 11 रुपीज़। यानी आप दशमलव के बाद 0.50 लिखते हैं तो आपको 11 रुपीज़ मिल रहा है, और 0.50 से कम नंबर लिख रहे हैं तो भी आपको 11 रुपीज़ मिल रहा है। राउंड अप नेक्स्ट जो नंबर होता है उस तक आपकी राउंडिंग कर देता है। इसका ऑपोजिट है राउंड डाउन। राउंड डाउन में आपने 10.85 रुपये लिखा है तो भी आपको 10 रुपये मिलेगा, नंबर देन कोमा और 0, एंटर 10 रुपये। यहाँ पर 10.20 रुपये है
तो भी आपको 10 रुपये मिलेगा, और 10 रुपये 80 पैसा है तो भी आपको 10 रुपये मिलेगा। राउंड डाउन जो नीचे वाला डिजिट होता है वहाँ तक हमारी राउंडिंग कर देता है। लास्ट जो फंक्शन है वो है एम राउंड। एम राउंड फंक्शन दोस्तों मल्टीपल राउंड को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, इस तरह से आप इकाई दाई सैकड़ा कर लीजिए और इसके आधार पर आप राउंडिंग कर पाएंगे। इसके लिए आप इक्वल टू एम राउंड और नंबर सेलेक्ट कर लीजिए जिस नंबर की आप राउंडिंग करना चाहते हैं, और कोमा लगाकर मैंने यहाँ पर 10 लिखा तो मुझे 10,860 रुपये मिल गए। तो यहाँ पर जो राउंडिंग हो रही है वो इकाई और दहाई के इस हिसाब से मैंने राउंडिंग की। अगर मैं यहाँ 100 लिख दूंगा तो आप देखेंगे कि मुझे 10,900 रुपये मिल गए। तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी यूनिट, टेन और हंड्रेड प्लेसेस तक मैंने राउंडिंग कर दी। इस तरह से यहाँ पर अगर आप 1000 लिख देंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 11,000। तो दोस्तों यह है मल्टीपल राउंड। तो आज के वीडियो में राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।